नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 253 के बारे में, यानी कि 253। तो जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, वो पॉइंट है हमारा एसपी मेरिडियन का 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक पेयर का अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पैर का एक डायग्राम होगा। ठीक है, और ये हमारा होगा दोस्तों टखना। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारी नेल वाली साइड है। ये नेल हर बार इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि ये वीडियो में किसी ने बोला था कि सर आपने ये नहीं बताया कि कौन सी साइड है, तो थोड़ी देखो मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो हर वीडियो में बता ही रहे हैं, मान लो SP1 नेल वाली साइड से शुरू हुआ तो SP2 SP3 सारे नेल वाली साइड ही शुरू होंगे, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है कि भाई चलो हमारी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में दोस्तों हमने, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको S6 पॉइंट बताया था, S5 से 3 कोण की दूरी पर। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है हमारा SP7, वो हमारा SP6 से और 3 कोण की दूरी पर है। ठीक है, SP6 से 3 कोण की दूरी पर ये हमारा पॉइंट है SP7। ठीक है, ये हमारा इंटरनली हो गया अंदर की तरफ से पैर। ठीक है, ये वाला पूरा ये राइट हो गया हमारा राइट फिट, यानी कि अंगूठे की तरफ से अंदर वाला, बाहर की तरफ तो हमारी छोटी उंगली होती है, उधर एक्सटर्नल हमारा एंकल जॉइंट होता है, ये इंटरनल इंटरनल एंकल जॉइंट। ठीक है, इंटरनल एंकल जॉइंट यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट इस बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे मेरिडियन चलता हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ हमारा SP5 था। ठीक है, तो ये यहां से शुरू होके जाएगा इस जगह से। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मेरिडियन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, नंबर एक, अगर किसी को छींक आती हो दोस्तों, छींक आती है, ठंड लगने से छींक आती है, तो उस प्रॉब्लम को ये ठीक करेगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, पैरों का लकवा, अगर किसी को पैरों का लकवा है तो उस प्रॉब्लम में आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, पैरों का छींक आना हो या पैरों का लकवा हो। ठीक है, और दूसरा, अगर किसी को भी जैसे होता है ना, कई बार सरदर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, सरदर्द अगर हो जाए और वो जल्दी से ना जाए, ठीक है, सरदर्द हो जाए जिसको कुछ समझ में नहीं है आपको कि किस वजह से सरदर्द हुआ है, कई बार एग्जर्शन वगैरह ज्यादा हो जाती है, स्ट्रेस लेवल वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से अगर आपको सरदर्द हो, मानसिक तनाव ज्यादा भागदौड़ की वजह से सिरदर्द। ये चीजें दोस्तों, ये तो हम आपको वो बता रहे हैं जो हमने अनुभव किया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम नए नए रिजल्ट देखते रहते हैं, तो वो सारे आपको भी देखने को मिलेंगे कि इस एक पॉइंट के कितने सारे बेनिफिट हैं। ठीक है ना, तो वो जब धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, आप देखेंगे भी चलो मैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि स्प्लीन का काम इम्यूनिटी हमारे सिस्टम को डेवलप करना है, इम्यूनिटी सिस्टम कंट्रोल करती है, तो आप ऐसे कई सारे रोग देखेंगे जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो फीवर वगैरह में आपको पेन वगैरह होता है पूरी बॉडी में, उसमें भी आप SP7 से ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा मिलेगा, और जब करते जाओगे सीखते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कितने इसके बेनिफिट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होंगे दोस्तों, तीन बेनिफिट होंगे, छींक आना, पैरों का लगवा, मानसिक तनाव और ज्यादा भागदौड़ की वजह से सर में दर्द। ठीक है, जैसे कहीं घूमने जाते हैं, कहीं आगे जाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है अचानक से, तो उन सभी चीजों में आपको फायदा देगा हमारा पॉइंट SP7। ठीक है, 3 कोण की ये दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका बेनिफिट। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको, तो वो जान लेते हैं। जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, आप इस पॉइंट को 15-20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए प्रेस कर सकते हैं, हाथ के अंगूठे से, उंगली से, प्रोब से या जिम्मी से। ठीक है, ये हमारी रबर जिम्मी होगी। ठीक है, इस तरह की रबर जिम्मी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये हमारी प्रोब होगी, तो इस तरह की प्रोब से, इन सबसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको करना कैसे है कि जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये चाहे आप जिम्मी ले या प्रोब ले, इससे आपको ऐसे 15-20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए इस पॉइंट को दबाना है।
तो हल्का सा इसमें पेन फील होगा आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है आपको, ठीक है। तो ये आप हर एक घंटे में 2 घंटे में रिपीट करेंगे तो ये आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। दिन में बैठे बैठे आराम से करते रहेंगे, एक बार पॉइंट की लोकेशन पता लगती जाएगी, एंकल से 3 कुंड देख लीजिए और फिर उससे 3 कुंड देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको लोकेशन का अच्छे से पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो बोन के पीछे की तरफ है, आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी बोन आती है ये ऐसे करके उसके पीछे की तरफ है, थोड़ा मिलते हुए है, अगर बात करूं तो इस तरह से थोड़ा इस तरह से मिलते हुए है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से मिलते हुए है बोन से, ऐसे है, ठीक है, इस तरह से पॉइंट मिलता हुआ है हमारी बोन से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको करना है और उसके बाद में जब आपने ट्रीटमेंट कर लिया उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारी स्टार मैग्नेट है ऐसी एक पेपर टेप पे लेंगे, ठीक है, पेपर टेप पे लेंगे, शाम को रात को सोते हुए इस पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है, SP7 पे। अभी शाम को रात को सोते हुए आप लगाएंगे, ठीक है, पूरी रात ये लगा रहेगा अच्छे से तो ये अपनी इसकी एनर्जी का फ्लो बढ़ता रहेगा और ये पॉइंट अपना काम करना शुरू कर देगा, हीलिंग शुरू कर देगा। तो आपको ये जो बेनिफिट्स है ये सारे बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे और सुबह जब आप उठेंगे तब आप इस पॉइंट को, इस मैग्नेट को निकाल के रख दीजिए, ऐसे टेप उतारिए और ये इस तरह से ये मैग्नेट को निकाल के रख दीजिए, ये आपके रियूज हो जाएगी, इसको फेंकना नहीं है। पेपर टेप जो अगर मान लो खराब हो जाती है तो उसको आप फेंक सकते हैं, मैग्नेट दोबारा आपकी यूज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है डेली, इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, जिस भी पॉइंट का करना है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए करना है, इस तरह से आपको डेली करना है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत आसान चीज है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है और कोई कहीं भी कर सकता है इसको, टाइम निकाले कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आप ये सब चीजें देखिए, समझिए पॉइंट्स की लोकेशन वगैरह को, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे एक नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।